Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. So friends, welcome you back to this Target 21 series, and this is the sixth lecture of this chapter Magnetism. इससे पहले जो हमारे कुछ जो lectures गए हैं इस chapter Magnetism के, या अगर मैं कहूँ ये chapter जो हमारा है, that is Magnetic Effect of Current, उसमें हमने बहुत सारे important topics को cover किया है. सो अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो आप उन लेक्चर्स को वापस देख के उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ सकते हैं, या जो देख चुके हैं दोबारा आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर, जो आज का हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से ही, पिछले लेक्चर से ही इंटरलिंक्ड है. एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप. टॉर्क on a current carrying loop in a uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पे बी वेक्टर से लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो इस पर हम पहले इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट इट्स जनरल केस. नाउ सपोज वी हैव टू परमानेंट मैग्नेट्स. तो हमने यहाँ पे एक ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है, एक ये हमारा मैग्नेट है. इसको हमने लिया नॉर्थ पोल, इसको लिया हमने साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो पहले नॉर्थ से साउथ जाती हैं. तो हमने इसको कुछ इस तरह बनाया. सो द फील्ड लाइंस आर गोइंग समवॉट इन दिस डायरेक्शन. तो जो हमारा जो ब्लू एरो है वो आपके फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो कर रहा है. नाउ suppose we have a current carrying loop which is being placed inside this conductor. to isko hum yahan se delete karte hain, pehle hum loop ko draw karte hain. suppose this is my current carrying loop. current hum maan lete hain ki current kuch is tarah flow kar raha hai hamara. ए बी सी डी, और फील्ड लाइन्स जो है हमारी, फील्ड लाइन्स लेफ्ट टू राइट जा रही है. तो इस करंट कैरिंग वायर में चार सेगमेंट है, सेगमेंट ए टू बी, देन सेगमेंट बी टू सी, डी सी टू डी, देन डी टू ए. नाउ सपोज द लेंथ इज टेकन टू बी एल. ये हमारी जो लेंथ है ये इस लूप की एल है, और इसको हम, या इसको हम कैपिटल एल कर देते हैं, समझने में हमको आसानी रहेगी. कैपिटल एल एंड द ब्रेथ इज कैपिटल बी, बिकॉज द कॉइल इज टेकन टू बी रेक्टेंगुलर कॉइल. तो एल यहाँ पे इसकी लेंथ है, बी यहाँ पे इसकी ब्रेथ है. Suppose if I talk about segment A to B, तो जो मेरा current है, current is going in the upward direction, और जो मेरी magnetic field lines है वो जा रही है right hand direction में. तो आप देख सकते हैं कि जो force होता है, the force acting on segment AB क्या होगा, I mod of length AB mod of magnetic field and sine of angle between them. angle कितना है, 90 degree है, sine 90. अब A to B का length कितना है, capital L. field का value कितना है, B. साइन 90 होता है 1, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए टू बी इज आई कैपिटल एल बी. अब बात आती है डायरेक्शन की. तो अगर मैं करंट को टुवर्ड द फील्ड कर्ल करूंगा, करना क्या है, अपने पाम को, अपनी हथेलियों को करंट के अलॉन्ग स्ट्रेच करिए और टुवर्ड्स बी इसको कर्ल कर दीजिए. जब कर्ल करेंगे आपका थंब इस पेपर के अंदर जाएगा, अंदर मतलब क्रॉस. So the force is acting inside the plane of the paper.
अब सेगमेंट बी टू सी को देखिए। सेगमेंट बी टू सी में क्या हो रहा है, करंट आपका राइट में है, फील्ड आपका राइट में है, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, एंड साइन 0 इज 0, तो फोर्स ऑन बी टू सी इज 0। नेक्स्ट बात करते हैं सेगमेंट सी टू डी की। तो सी टू डी में क्या हो रहा है, करंट आपका नीचे आ रहा है, फील्ड आपकी राइट में जा रही है, एंगल कितना है 90 डिग्री, सो फोर्स एक्टिंग ऑन सी टू डी कितना होगा, आई मॉड ऑफ लेंथ सी टू डी मॉड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ एंगल, एंगल यहाँ पे 90 है। फिर सी टू डी का लेंथ कितना है, कैपिटल एल के बराबर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये और ये साइड आपकी बराबर होती है। आई इंटू कैपिटल एल इंटू बी साइन 90 बन गया 1। अब बात आती है डायरेक्शन की, करंट ये है, फील्ड ये है, तो जब करंट को आप टुवर्ड्स फील्ड कर्ल करोगे, अपने पाम को करंट के अलोंग स्ट्रेच करें और टुवर्ड द फील्ड कर्ल करेंगे, तो थंब आपका पेपर के बाहर निकल के आएगा, मतलब यहाँ पे हम दिखाएंगे डॉट, सो द फोर्स इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। फोर्स बी टू सी 0 था क्योंकि थीटा आपका 0 डिग्री है, बिकॉज आपका करंट और फील्ड पैरेलल है। फोर्स डी टू ए भी आपका 0 है क्योंकि थीटा आपका 180 डिग्री है और दोनों में आपका साइन थीटा 0 आता है, तो इस सेगमेंट का फोर्स 0 है क्योंकि करंट और फील्ड पैरेलल है। इस सेगमेंट का फोर्स 0 है क्योंकि करंट, सॉरी यहाँ पे एरो मेरा उल्टा हो गया, ये एरो ऐसा होगा आपका, क्योंकि आपका करंट और फील्ड एंटी पैरेलल हैं। तो अगर हम बात करें नेट फोर्स, हमारा नेट फोर्स कितना होगा वेक्टर फॉर्म में, तो एफ ए बी प्लस एफ बी सी प्लस एफ सी डी प्लस एफ डी ए। एफ ए बी क्या है, देखिए इनवर्ट जा रहा है, तो इनवर्ट को हम लेंगे नेगेटिव, माइनस आई एल बी। एफ बी सी 0 था, एफ सी डी आपका कितना आई एल बी है, लेकिन पेपर के बाहर निकल के आ रहा है, तो प्लस आई एल बी प्लस 0, तो हमारा नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हमारा 0 आ गया। नेट फोर्स 0 का मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी है वो ट्रांसलेट नहीं करेगी, मतलब हमारी कॉइल कहीं पे भी अप डाउन या राइट लेफ्ट मूव नहीं करेगी, तो नो ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर मैं इस कॉइल को ऊपर से देखूं, इसका मैं टॉप व्यू निकालूं, तो मुझे सिर्फ ये सेगमेंट दिखाई देगा, तो इसको हम वापस यहां ड्रॉ करते हैं। सो फ्रॉम टॉप व्यू आपको सिर्फ ये सेगमेंट दिखाई देगा ये वाला, तो इस सेगमेंट पे क्या है, इस सेगमेंट पे एफ ए बी लग रहा है, इस पे एफ सी डी लग रहा है। एफ ए बी कैसा, पेपर के अंदर है, कैसे शो करेंगे, डाउनवर्ड्स एफ ए बी। एफ सी डी क्या है, पेपर के बाहर लग रहा है, तो ये पेपर के बाहर हो गया। हमने यहाँ पे लिया मिड पॉइंट, ये जो लाइन जा रही है, अगर हम एक लाइन खींचे यहाँ से, ये ऐसी लाइन, वही लाइन हमने यहाँ पे ली है, ये लाइन है हमारी, इसको हमने, ये हमारा क्या था, पॉइंट बी था, ये सी था, इसको हम ओ मान लेते हैं। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ कितनी होगी, बी बाई टू और बी बाई टू। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए आई एल बी और आई एल बी, सो दीज टू फोर्सेज आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कपल। व्हेन यू हैव टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस देन दे फॉर्म कपल। तो क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट दोनों फोर्सेस का मोमेंट निकालूं, टॉर्क निकालूं, तो वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर सिर्फ ये फोर्स एक्ट करती
तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, अगर सिर्फ ये ऐड करेगी तो ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, दोनों मोमेंट यहाँ पे ऐड होके जीरो नहीं आएंगे। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो क्या होगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो एफ ए बी इनटू बी ओ प्लस एफ सी डी इनटू सी ओ। एफ ए बी कितना है आई एल बी, और बी ओ कितना है, बी ओ इज बी बाई, इसमें वेरिएबल हमारा दिक्कत करेगा, बी हमारा सेम हो गया है, रुकिए इसको चेंज करते हैं हम लोग, इसको हम कुछ इसको बी डैश कर देते हैं, बी डैश, तो ये बन जाएगा बी डैश बाय टू प्लस आई एल बी इंटू बी डैश बाय टू, और बी डैश क्या है, बी डैश हमारा ब्रेथ है। ऐड करने पे टॉर्क कितना आ रहा है, आई एल बी कॉमन ले लिया, अंतर क्या बनेगा, बी डैश बाय टू प्लस बी डैश बाय टू, तो क्या बन जाएगा आई एल बी इंटू बी डैश, आई एल इंटू बी डैश अलग कर लीजिए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया, तो इसको हमने ए लिख दिया हमने, तो ए इज बेसिकली एरिया ऑफ कॉइल, दैट इज एल इंटू बी डैश, तो ये हमारे टॉर्क की वैल्यू आ गई। नाउ फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, ये बन जाएगा एन आई ए बी बन जाएगा हमारा, सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल इज एन आई ए बी, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई उसका करंट है, ए एरिया है जो हमने लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाला है, और बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। ये तो हमारा स्पेशल केस था, क्यों, क्योंकि आप देखिए कि जो मैग्नेट का प्लेन है और जो कॉइल का प्लेन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अब मान लीजिए मैंने इस प्लेन को, इस कॉइल को हल्का सा एक एंगल थीटा टिल्ट कर दिया, मतलब फिगर अब कुछ ऐसा बन गया आपका, मैग्नेट अभी भी ऐसे रखे हैं मेरे, ये आपके रखे हैं मैग्नेट नॉर्थ साउथ, बट अब हमने क्या किया, हमारी कॉइल कुछ हल्की सी टिल्ट कर दी गई है, कॉइल अब कुछ इस तरह कर दी है आपने, अब तो ये हमारी वो लाइन थी सेंट्रल लाइन जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा था, और क्या हुआ है कि पहले आपकी कॉइल ऐसी थी, अब ए बी सी डी करंट अभी भी आपका ऐसे करके फ्लो कर रहा है, तो फील्ड तो आपकी अभी भी कैसे लग रही है, फील्ड आपकी बी ऐसे इधर है आपकी, फोर्स आपका इस पे इनवर्स लग रहा था एफ, यहां पे फील्ड कैसी, यहां पे फील्ड आपकी राइट में भी फील्ड है, और इसमें फोर्स कैसे, इसमें फोर्स आपका आउटवर्ड लग रहा है, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, इस सेगमेंट का ये टॉप व्यू, अगर इसको आप ऊपर देखोगे तो इसको वापस हम ड्रॉ करते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, यहां पे लाइन खींचते हैं हम लोग, तो ये F आपका अंदर लग रहा है और ये F आपका बाहर लग रहा है, और अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये वो एंगल थीटा है जिसके अबाउट अपनी कॉइल आपकी टिल्ट की गई है। अब ये पूरी लेंथ कितनी थी, अगर इसको हम देखें बी टू सी, तो बी टू सी का वैल्यू कितना था, बी डैच था, जिसको हम कहते हैं ब्रेड। अब फील्ड वेक्टर क्या था, फील्ड वेक्टर आपका राइट में जा रहा है, क्योंकि फील्ड आपकी क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है,
इसमें एक टर्म होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? एम वेक्टर, इसको हम लिखते हैं एन आई ए वेक्टर। अगर इसका मॉड निकाले तो ये बन जाएगा एन आई मॉड ऑफ ए। एरिया वेक्टर कैसा होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो एम क्या होगा? एम वेक्टर आपका कुछ ये जाएगा, आपका एम वेक्टर ये थीटा हो गया। ये तो ये लेंथ कितनी होगी आपकी? दिस विल बी, अगर ये आपकी लेंथ बी डैश है तो ये बी डैश कॉस थीटा होगी और ये बी डैश साइन थीटा होगी। सो दिस इज पी डैश साइन थीटा। तो अगर मैं टॉर्क निकालू, मैं सपोज इफ यू कैलकुलेट द टॉर्क, तो यहाँ पे अब टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? किसी भी एक फोर्स का टॉर्क निकालते हैं, सपोज इसका टॉर्क हम इसके ऊपर निकालते हैं, तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी? फोर्स, फोर्स कितना है? आई एल बी, और डिस्टेंस कितना है? बी डैश साइन थीटा। तो ये बन गया आई एल बी डैश बी साइन थीटा। एल बी डैश क्या? ए है, बी साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क आ गया। एंड फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स टॉर्क क्या बन जाएगा? एन आई ए बी साइन थीटा। अब एक चीज देखिए, ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है? ये मैग्नेटिक मोमेंट है। देखिए ये जो वैल्यू है ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो क्या बन जाएगा? इसको अलग से लिखते हैं एन आई मॉड ए, इसको अलग कर लीजिए, मॉड बी साइन थीटा। तो दिस विल बी मैग्नेटिक मोमेंट मॉड बी साइन थीटा। देयरफॉर टॉर्क क्या बन जाएगा? एम क्रॉस बी, या ये फॉर्म कैसा बन जाएगा? एन आई ए क्रॉस बी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पेशल केस क्या था? एन आई ए बी था, और जनरल केस क्या होगा? एन आई ए बी साइन थीटा होगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और ये आपका डायरेक्शन के फॉर्म में होगा एम क्रॉस बी, या आपका एन आई ए क्रॉस बी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ हमको लाइक करें। इन केस यू हैव एनी कॉमेंट्स फॉर अस, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर और चैप्टर, और कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप हमको उसको लिख के बताएं, हम उसको एड्रेस करेंगे। एंड अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड प्लीज़ डू शेयर अवर वीडियोज अमंग अवर फ्रेंड सर्कल, अमंग योर फ्रेंड सर्कल, ताकि हमको आप तक पहुँचने में आसानी रहे। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर NTSC एंड नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।